सुनो ठीक है ना, मेरा सवाल था कि यार ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यार, ये तो ना इस क्वाड्रेंट में लाई करता है ना इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये तो एक्सिस में लाई करता है मुन्ना। जो पॉइंट एक्सिस में लाई करता है ना, तो यार उसके लिए इसकी तो वैल्यू होगी, लेकिन उसके लिए दूसरा वाला जो एक्सिस होगा ना उसकी वैल्यू उसके लिए जीरो होगी। जैसे कि यार यही पॉइंट पकड़ लो, ये एक्स एक्सिस में लाई करता है, यानी कि यार यहाँ पर एक्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, लेकिन इसी एक्सिस के लिए वाई की वैल्यू जीरो होगी। तो यहां पर मैंने वाई का लिख दिया जीरो। अब अगर मैं बात करूं अगर इस पॉइंट की, तो ये वाला पॉइंट भी ना इस क्वाड्रेंट में ना उस क्वाड्रेंट में, एकदम मध्य में, बिल्कुल बीच में। तो यार इस पॉइंट को मैं क्या डिनोट करूं, तो ध्यान सुनना, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में एक्स का रोल क्या होता है, जीरो। जबकि यहां पर वाई की समथिंग वैल्यू तो होती है, समथिंग वैल्यू क्या मानी जाएगी यहां पर, जो भी ये वाई में क्या कहते हैं डिस्टेंस पे होगा, जैसे कि यार ये एक दो तीसरे डिस्टेंस पर है, तो यार ये वाला जो पॉइंट होगा ना वो 0.3 डिस्टेंस पे होगा। यहाँ पे क्लियर है? तो कोई भी पॉइंट अगर आपके एक्स एक्सिस में हुआ तो उसके लिए वाई जीरो होगा, और कोई भी पॉइंट अगर आपके वाई एक्सिस में हुआ तो उसके लिए एक्स जीरो होगा। एक्स एक्सिस में वाई जीरो, वाई एक्सिस में एक्स जीरो, याद रखना। जरा बताओगे यार ये वाला पॉइंट कौन सी एक्सिस में लाई करता है, -3.0, बताओ दिमाग लगा के, -3.0 कौन से एक्सिस में लाई करता है, एक्स एक्सिस में। क्यों? क्योंकि इसका वाई जीरो है, सही ना है कि नहीं आया? जरा बताने कि यार 0.5 ये कौन से एक्सिस में लाई करेगा, वाई एक्सिस में। क्यों वाई एक्सिस में? क्योंकि यार इसका एक्स जीरो है। एक्स बराबर जीरो वाई एक्सिस, वाई बराबर जीरो एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां तक का? सही में आया कि नहीं आया सारा? तो ये खेल यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब एक अच्छा सा सवाल, पता नहीं जवाब दे पाओगे नहीं तुम, जरा बताओगे यार ये वाला पॉइंट कहां पे लाई करेगा, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, कहां पे लाई करेगा ये, ओरिजिन पे, ओरिजिन। चलो ठीक है, और यार उसको सेंटर मत बोलो यार, उसको सेंटर नहीं कहते, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं उसको, ओरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ तक क्लियर हुई बात तुमको? तो यार अभी तक मैंने तुमको जितना पढ़ाया ना यार, जितना पढ़ा है इसमें तुम अपने 9th class का chapter number 3 खत्म कर सकते हो पूरी तरह से। 9th class का chapter number 3 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये पूरी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th class की ही पढ़ाई है तुमको मैंने अभी तक। अब बात करते हैं 10th की, 10th में हमको क्या पढ़ना है। देखो यार 10th में हमको ये बेसिक तो पता होने ही चाहिए, यहाँ पे क्लियर है कि यार ये वाला क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट कौन से ऑर्डर्ड पेयर को मतलब कंटेन करता है, किस तरह के साइन ये कंटेन करता है, किस तरह की चीजें यहाँ पर होती है, किस तरह के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर प्लेस करते हैं, ये सारी बातें तुमको पता होनी चाहिए थी, यहाँ तक क्लियर है। अब 10th class में यार इतनी छोटी बात नहीं पूछी जाएगी यार, ये वाला पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट बताओ ना, ये बहुत छोटी बात है, ये वाली पॉइंट तुमसे अब पूछे ही नहीं जाएगी, इसकी बात करी ही नहीं जाएगी, ये समझ करके कि आपको ये वाला बात पहले से ही पता होगा। अब बात होगी इसकी, किसकी, इसकी एक्सिस होगा, दोनों एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस भी होगा वाई एक्सिस भी होगा, जहां पर दोनों मिलेंगे उसको ओरिजिन भी कहा जाएगा। इसके लेफ्ट साइड में जाओगे तो सारे माइनस के नंबर मिलेंगे, राइट साइड में जाओगे तो सारे प्लस के नंबर मिलेंगे, यहां पर क्लियर है? ऊपर जाओगे तो सारे प्लस के नंबर 1, 2, 3, 4, नीचे जाओगे तो सारे माइनस के नंबर, एक डिफरेंस होगा बस। पॉइंट ये खुद ही दे देंगे अब तुमको, पॉइंट अब तुमको ये खुद ही दे देंगे, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉइंट अब खुद ही दे देंगे। कह रहा एक क्या, तू ये दो पॉइंट पकड़, बस तू मेरे को इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता दे, ये पूछा जाएगा तुमसे 10th class में, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यहां तक क्लियर है? तो यार अगर आपको दो पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस पता लगाना है, तो यार इसके लिए क्या चाहिए होगा, इसके लिए चाहिए आपको फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या बताएगा, वो फॉर्मूला आपको एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस बताएगा। अब यार वो फॉर्मूला हम डिराइव कैसे करें, क्या तरीका लगाएं कि हम वो डिस्टेंस फॉर्मूला पता लगा लें? तो देखो, पता लगाने का एक बहुत ही छोटा तरीका है, और ये तरीका सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ में आ सकता है जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है। जिसको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ी भी अगर नॉलेज होगी ना, जो यहाँ पर मैं डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर है? तो ये हो गया आपका जीरो। अब लेट सपोज कि यार यहाँ पर मेरे पास एक 2D प्लेन है, जिसमें कि यार ये वाला है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाला है आपका वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने प्यार से नाम दे दिया ए, और उस पॉइंट को मैंने प्यार से नाम दे दिया बी। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हमको ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालें, तो बहुत सरल तरीका है। सबसे पहले हमको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स का मतलब, बोलने का क्या मतलब, ए और बी की पोजीशन। तो पहले बात करते हैं हम ए की पोजीशन की,
तो लेट सपोज कि यार आपका ए जो है एक्स एक्सिस में एक्स वन और वाई एक्सिस में वाई वन के डिस्टेंस पर है, तो यहां से एक्स वन यहां से वाई वन, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पता है क्या हो गया, एक्स वन वाई वन, जैसे होता है ना ये वाला, ये हो गया तुम्हारा तीन, ये हो गया तुम्हारा दो, तो तीन कॉमा दो, उसी तरह से ये वाला पॉइंट हो गया एक्स वन, ये वाला पॉइंट हो गया वाई वन, तो ये वाला पॉइंट क्या माना जाएगा, एक्स वन वाई वन। सिमिलरली पॉइंट अगर बी की बात करें तो ये एक्स एक्सिस में एक्स टू पॉइंट पर है और वाई पॉइंट में, ओ सॉरी वाई एक्सिस में वाई टू पॉइंट पर, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ क्या होंगे, एक्स से एक्स टू, वाई से वाई टू, यानी कि एक्स टू वाई टू। तो ए के भी कोऑर्डिनेट हमको पता है एक्स वन वाई वन और बी के भी कोऑर्डिनेट हमको पता है एक्स टू और वाई टू, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमको ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालो, सिंपल है यार, एक चीज बताओ ना, बड़े ध्यान से समझना इसको, एक काम करो इसको आगे बढ़ा दो, किसको, इसको नीचे बढ़ा दो, ये दोनों के दोनों जो मैंने एक्सटेंड किया, ये दोनों आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को आप नाम दे दो सी। क्या तुम्हें से किसी भी बच्चों को, किसी भी बच्चे को यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है क्या, क्या हाँ किसी बच्चों को यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है क्या, नाम बताओ उसका, ए बी सी, बी सी, ए बी सी। यार कभी भी अगर आपको रास्ते में राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा तो क्या करोगे, क्या ऐसे हाथ में लिखो पाइथागोरस में उसका रेक्ट लगाओ, समझे कि नहीं समझे, ऐसा हाथ में लिखा पाइथागोरस में ऐसा छाप के मारा इसके ऊपर, कभी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिखा ना हर बार यार उसके ऊपर पाइथागोरस में लगाई जाती है डिस्टेंस, ओ एक साइड पता लगाने के लिए, तो इसे ही पता लगाएंगे आओ, कैसे पता लगाए, तो क्योंकि अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है और हमको ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस चाहिए, यानी कि 90 डिग्री के आगे पड़ रहा है ए बी, जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री के आगे अगर कोई साइड आती है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस, यानी कि यहां पर हमको हाइपोटेनस ए बी वैल्यू निकालनी है। अगर आपको ए बी वैल्यू निकालनी है तो आपको परपेंडिकुलर और बेस पता होना चाहिए, तो आओ परपेंडिकुलर और बेस पता लगाते हैं। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस ऐसे पता लगाया जाएगा, तो देखो ये है वाई टू और ये है वाई वन, हमको सिर्फ इतना डिस्टेंस पता लगाना, तो क्या करूंगा मैं वाई टू में से वाई वन माइनस कर दूंगा, ये वाई टू है ये वाई वन है, वाई टू में से वाई वन माइनस कर दिया, कितना आ गया बी सी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, अब बात करते हैं, देखो ये कितना है x2 और ये कितना है y2, तो अगर मैं x2 में से x1 अगर कम कर देता हूं तो कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा ac। तो यहां पर सिंपली क्या करो, यहां से यहां तक x2 है, x1 कम कर दिया, कितना आ गया यहां से तक का, यहां से तक आ गया आपका x2 माइनस x1, यानी कि यार ये a से c तक का डिस्टेंस है, और अगर आपको b से c तक का डिस्टेंस चाहिए तो कुछ मत करो, ये है आपका b से क्या कहते हैं y2 और ये कितना डिस्टेंस है y1, तो y2 डिस्टेंस में से y1 डिस्टेंस कम कर दिया, कितना आया ये वाला, तो ये डिस्टेंस आया आपका y2 माइनस y1, ये है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक क्लियर है। तो ये डिस्टेंस मिल गया x2 माइनस x1, ये भी मिल गया y2 माइनस y1। अब क्योंकि यार हमको दोनों चीजें पता लग चुकी हैं, परपेंडिकुलर भी पता लग चुका है, बेस भी पता लग चुका है, आओ इसका हाइपोटेनस निकालते हैं। तो क्या लिखोगे यहां पर, तो यहां पर लिखना इनर ट्रायंगल, क्या लिखोगे यहां पर, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ही सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर, बाकी दोनों साइड कौन सी है, बी सी और ए सी, तो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है जी। बी सी कितना है, BC है आपका X2 माइनस X, X2 माइनस X1, तो BC की वैल्यू पुट कर दी X2 माइनस X1, लेकिन क्योंकि स्क्वायर लगा था इसलिए हमने यहां पर स्क्वायर भी लगा दिया। प्लस AC क्या है आपका, AC अरे सॉरी 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 BC तो वो है ना Y2 माइनस Y1, तो Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस AC कितना है, तो यार ये रहा आपका AC, कितना है आपका AC X2 माइनस X1, X2 माइनस X1 का स्क्वायर, ठीक है। और बगल में क्या चल रहा है, बगल में चल रहा है आपका AB का स्क्वायर, और हमको AB तो निकालना है लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या करें, तो जब भी स्क्वायर हटाएंगे बगल में रूट लगाएंगे, याद रखना। तो यहाँ पर AB की वैल्यू निकालने के लिए उसके ऊपर का स्क्वायर हटाना था, तो स्क्वायर हटा दिया, रूट लगा दिया, तो बगल में रूट आ गया।
अब ये फॉर्मूला बना है तुम्हारा ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस पता लगाने का। क्या फॉर्मूला पता लगा है? फॉर्मूला पता लगा है ये y2 टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस में x2 टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, y2 टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस में x2 टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर। तुमको पता है इस फॉर्मूले को क्या नाम दिया जाता है? इस फॉर्मूले को बुक में अगर आप देखोगे तो इस फॉर्मूले को कहा जाता है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो टॉपिक मैंने तुमको पढ़ा है ये टॉपिक का नाम क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले हम क्या करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता लगाते हैं और इसकी जो पूरी डेरिवेशन है वो तुम्हारे सामने लिखी हुई है। लेकिन अगर आप इसका फॉर्मूला बुक में देखोगे ना तो वो कुछ ऐसा नहीं है, वो कुछ ऐसा है। जरा देखना मैंने क्या चेंज किया होगा इसमें। बताना मैंने क्या चेंज किया। मैंने यहां पर x वाले को पहले लिख दिया और y वाले को बाद में लिख दिया, तो कोई इससे फर्क पड़ता नहीं है। मैंने ये वाला पहले लिख दिया, वो वाला बाद में लिख दिया। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, ये क्या दिखाता है? ये तुम्हारे a से लेकर के b तक के बीच का डिस्टेंस दिखाता है। कैसे करके? a से b का डिस्टेंस। बस आपको a के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए और b के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, बस काम खत्म। x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस में y2 minus y1 का स्क्वायर का रूट। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस में y2 minus y1 का स्क्वायर का भैया, यहां तक क्लियर है? ये आपको a से पॉइंट b तक के बीच का आपको डिस्टेंस पता लगा के दे देगा, बस यहां तक खत्म है। अब जिस बच्चे को जो भी कोई डाउट पूछना हो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, पूछो पूछो भैया। भैया अगर हमें ना a और b के कोऑर्डिनेट ना देकर हमें सिर्फ वो पॉइंट बता दिए जाए तो? a और b के कोऑर्डिनेट अगर आपको ना दिया जाए, बस आपको पॉइंट बता दिया जाए। हाँ भैया। कौन से पॉइंट? a के पॉइंट या किसके पॉइंट? दोनों के? नहीं, x2 और x1 और y2 और y1 का पॉइंट। मतलब मैं समझा नहीं क्या कह रहा है तू। अच्छा एक मिनट भैया, यहाँ पर एक सवाल है। क्या? अच्छा ये वाला, ये वाई टू माइनस वाई वन सही में आया? कैसे लिखा मैंने? तो ये वाला यहाँ तक नहीं आया? अच्छा ये पाइथागोरस थ्योरम है। और भैया हमें पॉइंट दे रख निकालना भैया डिस्टेंस ही, हमें पॉइंट दे रखे वो जैसे x1 x2 y1 y2 फिर उसका डिस्टेंस यार ऐसे ही निकाला जाएगा, और तो कोई तरीका है नहीं। जब पॉइंट ही नहीं दिया तो यार कोई मतलब ही नहीं है। या तो क्वेश्चन का कोई मोटिव होना चाहिए पूछने का, क्वेश्चन का कोई मोटिव होना चाहिए पूछने का यार। अगर हमने आपको पॉइंट अगर ऐसे वैसे करके दिया है तो आप इस तरह का डिस्टेंस निकालो। अगर हमने आपको पॉइंट इस तरह से ये ओरिजिन में हमने आपको दे दिया, ये वाला पॉइंट हमने दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर दिया, तो बताओ उसके पॉइंट क्या होंगे? इस तरह से पूछा जा सकता है। बाकी तू कह रहा है यार यहाँ पर एक्स और वाई पूछा नहीं गया, वो मतलब दिया भी नहीं है और पूछ भी रहा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब सेंस नहीं बना रहा। ठीक है, तो यहाँ पर यार एक चीज मैं ना दोबारा से एक्सप्लेन करूँ। यहाँ पर एक बच्चे को दिक्कत आ रही है, इस साइड से बताऊंगा लेकिन इस बार। ठीक है, तो देखो तो देख यहाँ पर ध्यान से देख, यहाँ से यहाँ तक y2 है, ये डिस्टेंस वन टू थ्री y2, ये वन टू थ्री y1। अब अगर मैं y2 में से y1 कम करूंगा तो ये डिस्टेंस आएगा। नहीं आई बात समझ में? यह है y2, यह है y1, नहीं आई बात समझ में? इसमें ये वाला डिस्टेंस कम कर दिया, तो वही डिस्टेंस तेरा बी से लेकर के सी को ढूंढ किया जा रहा है। आया समझ में क्या हुआ? तो यहाँ से तक का डिस्टेंस तेरा वाई टू है, यहाँ से तक तेरा डिस्टेंस वाई वन है, तो ये डिस्टेंस मैंने खत्म कर दिया, माइनस कर दिया, तो माइनस को ही ऐसे शो किया गया वाई टू माइनस वाई वन। समझा? और सेम कंसेप्ट यहाँ पर ये है, यह है पूरा एक्स टू और उसमें से मैंने एक्स वन को माइनस कर दिया, ये पूरा यहाँ से तक का डिस्टेंस तेरा एक्स टू है। फिर को मैं कलम से बताता हूँ, ये पूरा डिस्टेंस एक्स टू है, इससे मैंने x1 माइनस कर दिया। ऐसे में क्या हुआ? तो ये जो पूरा डिस्टेंस हुआ किसके बराबर हुआ? ये तेरा x2 माइनस x1 के बराबर हुआ, यानी कि x2 में से x1 माइनस कर दिया, x2 में से x1 माइनस कर दिया। आया समझ में? नहीं आया? बात क्लियर यहाँ तक की? बाय पाइथागोरस थ्योरम समथिंग समथिंग समथिंग। यहाँ से किसी और बच्चे को कोई डाउट है? अच्छा ये बताओ, देखो तुम सबके सामने कोई चैलेंज है, चैलेंज है तुम्हारे सामने, ये चैलेंज है तुम्हारे सामने ये क्या कि मान लो कि यार अगर आपके ये पॉइंट ए अगर ओरिजिन पे होता, कहां पर होता ये वाला पॉइंट? ओरिजिन पे, तो ये फॉर्मूला कैसा दिखाई देता? अगर आपका ये पॉइंट ए अगर ओरिजिन पे होता तो ये फॉर्मूला कैसा दिखाई देता?
ये तुम सबके लिए होमवर्क है, जीरो ही आता है, जीरो होता, कौन सी वैल्यू जीरो होती है ये तुमको बताना, ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। अगली क्लास में क्या होगा, देखो अगली क्लास में हम सीखेंगे कई सारे कंसेप्ट, क्या क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे वहां पर इक्विल डिस्टेंस का कंसेप्ट, हम वहां पर सीखेंगे कि यार किसी तरह के कोऑर्डिनेटर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि यार वो स्क्वायर है, पैरेलोग्राम है, रेक्टेंगल है या कोई रोम्बस है, यहाँ पे क्लियर है। तो अगले क्लास हमको दो मेजर टॉपिक सीखने, इक्विल डिस्टेंस क्या होता है और कोऑर्डिनेटर की पहचान हम कैसे करें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज जितना पढ़ाया गया उन सभी के सभी कंसेप्ट की एक नोट्स बना करके कॉपी में लिख लेना, ताकि वो आपके पेपर के एक दिन पहले काम आए। देखो यार पेपर में जब भी आप रिवीजन करते हो तो कैसे करोगे यार, एक दिन पहले पूरी आरडी शर्मा खत्म नहीं करी जा सकती यार, आरडी शर्मा तो छोड़ो, एक दिन पहले तो एनसीईआरटी भी खत्म नहीं करी जा सकती, यहाँ पे क्लियर है। मैथ के रिवीजन करने का तरीका अलग होता है, क्या करते हो उसमें, उसमें कुछ नहीं करते, आप पूरे साल प्रैक्टिस करते हो और एंड में जाकर के तुमको बस ये काम करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने पूरे साल मेहनत करी है और मैंने ये कुछ तरह का नोट्स बना लिया, अब मैं करूंगा पता है क्या, यार मैं पूरे साल जो मैंने नोट्स बनाए मैं बस उसको चेक कर दूंगा, अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन, सिंपल सिंपल है। लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे पक्का होंगे जो देखने देखने पर समझ में नहीं आएंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इसे हम कहते हैं प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना। यार अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना कि यार मैथ के पेपर के चार पांच दिन जो पहले हमको छुट्टी मिलती है वहां पर हम मैथ के प्रैक्टिस करेंगे, तो देखो ऐसा नहीं होता, मैंने ऐसे प्रैक्टिस करी है और मैं पूरी तरह से इसमें फेल हुआ इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर है। अरे पेपर में नहीं यार, तरीके में, यहाँ पे क्लियर है, तरीके में, यहाँ पे क्लियर है। मतलब ये मेथड काम नहीं करता कि यार एक दिन पहले, यार एक दिन पहले मैंने जितनी प्रैक्टिस करी ना मेरे यार 70 नंबर है, क्या बड़े नंबर है क्या, नहीं आते इतने नंबर, यहाँ पे क्लियर है। लेकिन अगर आप वही अगर नोट्स बना करके अगर आप करते हो ना, तो यार बहुत अच्छा इफेक्टिव नंबर आप ला सकते हो, यहाँ पे क्लियर है, अगर आप नंबर के लिए पढ़ रहे हो तो, वरना अगर आप कंसेप्ट के लिए पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगली क्लास से मिलते हैं बाकी, ठीक है ना, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो अपना और फोन का सही से इस्तेमाल करो।